प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। इसलिए मैंने जिम्मेदारी तय कर रखी है, मैंने अपने एडीएम को बोल रखा है, एसडीएम को बोल रखा है, यहाँ के लोकल प्रधान को बोल रखा है, इसलिए सबको बुलाया है कि मुझे बता दें फिर गुमराह करोगे। पहले आज कल आजकल इसका मतलब काम करने का मेंशन नहीं हुआ और हर मामले में आपकी लापरवाही नजर आती है, थोड़ी मैं शर्म कर लिया करो। ये बहानेबाजी आपकी बहुत हो गई, कभी आप पीडब्ल्यूडी की रोड है, कभी फलाना है, कभी ढीका है, सब बहानेबाजी में क्या करो, काम करो। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कई दिनों से लगातार बारिश जारी है, वहीं उत्तराखंड में भी आसमानी आफत बनकर बारिश की बूंदें नदियों में समा रही हैं, जिसके चलते जनपद रामपुर के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कोसी नदी उफान पर है और इससे सटे इलाकों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। अधिकारी भी लगातार हालत पर नजर बनाए हुए हैं। इन्हीं में से एक प्राणपुर गाँव है जहाँ पर कोसी नदी के कटान के चलते खतरा काफी बढ़ गया है। जनपद रामपुर में कोसी, रामगंगा और पीलाखार उन प्रमुख नदियों में है जो अगर उफनाती हैं तो आसपास के इलाकों में कहर ढाते चली जाती हैं। इन दिनों प्राणपुर गांव के निकट बने पुल को छोड़कर कोसी नदी ने अन्य स्थान पर कटान शुरू कर दिया है, जिसके चलते प्राणपुर ही नहीं आसपास के दर्जनों गांवों पर खतरा मंडराने लगा है। वर्तमान समय में उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, वहीं जनपद में भी पूरी तरह से आसमानी आफत बूंदे बनकर किसानों पर टूट पड़ी है। यही कारण है कि कोसी नदी का जलस्तर समय के साथ बढ़ने से यहां के रिहायशी इलाकों के साथ ही किसानों के खेतों पर भी खतरा मंडराने लगा है। चंद रोज पहले प्रशासन ने कटान को रोकने के प्रयास किए, हालांकि यह बात अलग है कि ऐन वक्त पर उठाए गए यह कदम शायद ही प्रभावी हो पाए, क्योंकि अगर प्रशासन पहले से जाग गया होता और ग्रामीणों की इस समस्या को गंभीरता से ले लिया होता तो शायद कुछ और ज्यादा कारगर कदम उठाए जा सकते थे। बहरहाल ग्रामीणों और उनके खेतों पर खतरा बरकरार है, फसलों को भी काफी नुकसान हो चुका है। खतरे पर लगातार डीएम रविंद्र कुमार द्वारा नजर रखी जा रही है, वहीं कुछ प्रतिनिधि भी इस खतरे को भांपते हुए मौके पर पहुंचकर स्थलीय जायजा लेने में जुटे हुए हैं। जो हमारे दो साईं विहार और गड्ढा कॉलोनी दो जगह पे जल भराव की समस्या आती है, तो उसके लिए मैंने अभी वहाँ हमारे जो सिटी मजिस्ट्रेट प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय हैं उनको और ईओ को भेजा है कि वहाँ पे जल भराव की समस्या को दूर कराएं पंप लगाकर। वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए अभी मैं जा रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पे भी अतिवृष्टि के कारण फसलों का नुकसान हुआ है, अभी हम लोग यहाँ पे प्राणपुर क्षेत्र में हैं, यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो फसलों का नुकसान हुआ है, तो उसके लिए हमने डिटेल सर्वे करने के लिए अपनी सारी तहसील की टीम्स को बताया है कि मौके पे लेखपाल किसान के साथ में स्थलीय सत्यापन करें, कृषि विभाग की टीम भी साथ में, और एक्चुअल में जितना नुकसान है उतना नुकसान रिपोर्ट किया जाए। कहीं पे भी अगर इसमें लापरवाही हमारे राजस्व स्तर से होती है तो उसमें जिम्मेदारी भी मैं तय करूंगा। सभी SDMs इसमें पर्सनली इसको मॉनिटर करेंगे और क्षेत्र भ्रमण करके ही हमें रिपोर्ट दें। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।